मैं जैना गुराय श्री वशिष्ठ विद्यालय में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। हिंदी विषय में आज हम व्याकरण का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन के नियम क्या होते हैं वो हम आज सीखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि वचन के कितने प्रकार हैं। तो वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहा जाता है कि जिसमें एक ही व्यक्ति वस्तु का निर्देश होता है उसे एक वचन कहा जाता है, और बहुवचन जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति और वस्तु का निर्देश हुआ होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि लड़का, हाँ इसमें एक ही लड़के की बात की गई, हाँ तो इसीलिए ये जो शब्द है वो क्या हुआ, एक वचन हुआ। और यहाँ शब्द प्रयोग है लड़के, यानी एक से ज्यादा बच्चों की बात की गई है, तो ये जो शब्द हुआ वो बहुवचन हुआ। ठीक है, तो यहाँ वचन परिवर्तन के भी नियम होते हैं, उसे ऐसे ही परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे वचन परिवर्तन के नियम। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हैं, उसमें कौन सा शब्द है, पहला शब्द है ताला, उसका बहुवचन होता है ताले, लड़का लड़के, कमरा कमरे, छाता छाते, तोता तोते। ओके, ये सारे जो शब्द है उसे बहुवचन करने के लिए कौन सा नियम होता है वो हम देखेंगे। तो उपयोग शब्द, यानी कि ये जो सारे शब्द है, उपयोग शब्द को पढ़ने से पता चलता है कि ये सारे जो शब्द है वो आकारांत शब्द है। अब यहाँ हम देखेंगे कि आकारांत शब्द किसे कहेंगे। तो इस शब्द को पढ़ने पर क्या उच्चारण होता है, ताला। ओके, तो अंत में कौन सा शब्द आया, आ। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो शब्द बन गए वो कैसे शब्द बन गए, आकारांत शब्द बन गए। और साथ में क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो ये सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, मतलब ये हुआ कि ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इस आकारांत पुल्लिंग शब्द जो है उसे हमें अगर बहुवचन बनाना है तो उसके लिए अंत में हमें क्या लगाना पड़ेगा, आ के बजाय क्या कर देना पड़ेगा, ए कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो पढ़ते हैं ताला, कौन सा उच्चारण हुआ, आ का उच्चारण हुआ। अब इसे बहुवचन बनाना है तो इसकी जगह पर ताले हुए तो कर देना है ताले, मतलब क्या करना है हमें, ए जोड़ देना है। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो आकारांत पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन करने के लिए हमें आ को ए कर देना है। तो ये सारे शब्द जो है वो बहुवचन हो जाएंगे। उसके बाद का नियम देखिए, ये शब्द है रात राते, बहन बहने, किताब किताब। हाँ, ये सारे शब्द जो है वो कैसे शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बराबर, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या, जिसके अंत में अ का उच्चारण होता है। तो ये सारे शब्द जो है वो कैसे शब्द बन गए, अकारांत शब्द बन गए। और साथ में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर था पुल्लिंग शब्द थे, और यहाँ पर कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे हम देखते हैं तो ये जो है रात वो कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। बहन वो कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। किताब वो कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अभी जो है वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को अगर हमें बहुवचन में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शब्द के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ठीक है, शब्द के अंत में क्या जोड़ दिया जाता है, ए जोड़ दिया जाता है। देखो यहाँ ऊपर हमने क्या किया, आ का ए कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, अ का ए कर देना है। समझ में आई बात, यहाँ पर क्या कर देना है, जैसे देखिए पढ़ते समय रात, हाँ तो कौन सा उच्चारण हुआ, अ का उच्चारण हुआ, रात, हाँ ऐसा बोलते हम रात, तो अ किसका उच्चारण हुआ, अ का उच्चारण। अब इस अ के उच्चारण को हमें किसमें बदल देना है, ए के उच्चारण। तो ये सारे शब्द जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है वो सारे शब्द बहुवचन करते समय ए में कर दिया जाता है। तो ये सारे शब्द किसमें बदल जाएंगे, बहुवचन में बदल जाएंगे। जैसे रात राते, बहन बहने, इसी तरह देखिए आंख आंखे, सड़क सड़के, बात बाते। ठीक है, ये सारे अकारांत शब्द को स्त्रीलिंग करने के लिए हमें अ की जगह ए जोड़ देना है। ओके, ठीक है, अब आगे देखिए आगे का नियम। जैसे इसके बाद का शब्द है लता लताए, कन्या कन्याए, बाला बालाए, सेवा सेवाए, भाषा भाषाए। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अभी हमने कौन सा देखा, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखा। अभी हम देखेंगे
लता लिखा हमने तो सीधा सीधा क्या जोड़ दिया हमने ए जो अ जोड़ दिया तो इससे क्या बन जाएगा बहुवचन बन जाएगा। ठीक है तो ये सारे शब्द को आकरण स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए जोड़ देने से वो सारे शब्द किसमें बदल जाएंगे बहुवचन में बदल जाएंगे। तो क्या होगा सेवा सेवाए भाषा भाषा। ठीक है इसके बाद का नियम देखिए तो यहाँ पर शब्द है तिथि तिथिया विधि विधिया लिपि लिपिया। ओके तो अब इसका नियम हम देखते हैं इनके पीछे कौन सा नियम होता है बहुवचन। यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द अब यहाँ पर कौन सा आया शब्द इकारांत शब्द आया कौन सा शब्द आया इकारांत। मतलब देखिए कि तिथि जैसे हम उच्चारण करते हैं तो अंत में क्या आता है ई तिथि विधि लिपि। तो यहाँ पर जो ई शब्द है इसकी वजह से ये शब्द जो है वो कैसे शब्द बने इकारांत बने और ये सारे शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मतलब ये हुआ कि ये सारे शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसे अगर हमें बहुवचन करना है तो उसके अंत में हमें या जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है क्या जोड़ देना पड़ेगा हमें या जोड़ देना पड़ेगा सीधा ही एकदम सिंपल इजी। मान लीजिए कि इकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंत में या जोड़ दीजिए बन गया बहुवचन। ठीक है तो देखिए पढ़िए फिर से एक बार जाति जातिया नीति नीतिया जैसा का जैसा शब्द है उसके पीछे हमें खाली सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ देना है या जोड़ देने से ये सारे शब्द जो है वो किसमें बदल जाएंगे बहुवचन में बदल जाएंगे। ठीक है अब देखिए इसके बाद यहाँ तक हमने देख लिया अब वैसे देखा जाए तो इसके आगे भी वचन को बदलने के नियम है पर आज हम यहाँ तक देखेंगे आखिरी नियम हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द है सखी सखिया इसको ध्यान रखेंगे खिड़की खिड़किया मछली मछलिया फिर इसके बाद डाली डालिया कली कलिया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो है वो सखी लिखा है वो दीर्घव है जैसे उसका बहुवचन बन गया वो बहुवचन हो गया। तो यहाँ देखिए इसका नियम कौन सा है तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बड़ा ई यहाँ पर हमने कौन सा ई देखा था छोटा ई देखा अब यहाँ पर हमने कौन सा ई देखा बड़ा ई देखा। अब ये जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ये सारे शब्द जो है वो कैसे शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है सखी है मछली है खिड़की है डाली है कली है ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द। तो इस स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए जो बड़ा ई जो है उसे पहले छोटा ई बना दीजिए। बड़ा ई को छोटा मतलब यहाँ जो दीर्घव था वो बड़ा ई था अब इसे हम ह्रस्व कर देंगे तो वो छोटा ई हो जाएगा। ठीक है ये हो गया पहले तो बड़ा ई को हमने छोटा ई कर दिया और उसके बाद हमने उसे क्या लगा देना है या लगा देना है। ठीक है सीधा है समझ में आ गया तो यहाँ फिर से देख लीजिए सखी सखिया यहाँ क्या हो गया आगे हो गया फिर यहाँ पर देखिए खिड़की हाँ तो ये जो की दीर्घव था वो यहाँ पर ह्रस्व हो गया फिर यहाँ पर मछली दीर्घव था वो ह्रस्व हो गया और यहाँ पर उसी तरह से यानी कि बड़े ई को छोटे ई में बदल देने के बाद या जोड़ने से इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो है उसका बहुवचन हो जाता है। ठीक है यहाँ से हमने यहाँ तक हमने बहुवचन को बदलने यानी कि वचन परिवर्तन करने के नियम देखे हैं फिर बाद में हम आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।